हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंड का एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और हम पहुंच चुके हैं आज टू, पर जी हां दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मिलते रहेंगे दोस्तों हमने ऑलरेडी चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया है जा सकते हैं वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्वेल्थ एसपी का प्ले इसके अलावा इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन चैप्टर टू डिटेल्ड प्ले लिस्ट ऑफ चैप्टर्स और आखिर में ओसी और आई के भी आपको डिटेल्ड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसका फायदा उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएंगे चलिए दोस्तों आज की बात करते हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कॉर्पोरेट फाइनेंस को समझने की कोशिश की कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जैक्टली क्या है तो ये एक रीढ़ की हड्डी समान है किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में किसी भी बिजनेस के अंदर जी हाँ बिना फाइनेंस के बिना पैसे के हम बिजनेस को अच्छे से चला ही नहीं सकते तो कॉर्पोरेट फाइनेंस लाएंगे कहां से वो हम इस सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जी हाँ सेकेंड चैप्टर कंप्लीटली डील्स विद द सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस जनरेट किया जाता है और किस प्रकार से उस फाइनेंस के जरिए ही बिजनेस अच्छे से, तो फट से तो जरूरत पड़ती है फिर प्रोडक्शन हो डिस्ट्रीब्यूशन हो एवरीवेयर छोटी से छोटी चीज में आपको तो लगने ही वाला है नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परसूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट यानी फाइनेंशियल

जो है बिना पैसे के तो खेल खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज कैपिटल टर्म एज कैपिटल कैपिटल यानी बिजनेस में जो पैसा लगता है ना उसे हम कैपिटल कहते हैं और इसी कैपिटल से हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं एवरीसनाइजेशन सर्टन अंडरटेकिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल यानी छोटी मोटी कंपनी में तो कैपिटल कर ही लेते हैं लेकिन बड़ी जो कंपनी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जैसी इसका लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है लार्ज स्केल बिजनेस होता है तो इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है जी आपको लाख दो लाख रुपए नहीं चाहिए यहां पे आपको करोड़ों रुपए चाहिए और यहां पर आपको जो है कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐसी ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के मैनेजमेंट में यही कैपिटल कलेक्शन को बहुत ज्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंस मिला हुआ है यस yes. कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ कंपनी यस यही अंडरलाइन वाली बात है कि भैया ये कैपिटल कलेक्शन या कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये अलग अलग सोर्सेस के जरिए किया जाता है और इसी को हम सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं और वही फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ कंपनी के अंदर मेंशन किया गया है चलिए दोस्तों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देख लेते हैं या टाइप्स ऑफ कैपिटल को हम समझने की कोशिश करते हैं दो मुख्य प्रकार है ओन्ड कैपिटल और

हमने डिविडेंड दे दिया उसके बाद जो बचा वो हमारा रिटेल्ड अर्निंग है यस तो ये दो मुख्य है ओन्ड कैपिटल के अंदर शेयर्स की अगर बात करूं तो उसके अंदर दो प्रकार के मेनली शेयर्स बताए जाते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें हम इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों बात करें बोरोड कैपिटल की तो यहां पर ये पराया पैसा है उधारी वाला पैसा है ये आज नहीं तो कल हमें लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा डिबेंचर्स होते हैं इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं बॉन्ड्स होते हैं एडीआर जी ये बैंक से लिए गए होते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रेड क्रेडिट से जुड़े हुए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये खास जो आपको बाइफर बताया गया है, ये समझ में आ रहा होगा यहां मैं बता दूं आपको दोस्तों ADR, GDR जो है, ये deposit receipt होते हैं, ये American और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट की बात यहां पर हो रही है इसके माध्यम से भी हम borrowed capital जो है, इकट्ठा करते हैं। दोस्तों इसके अलावा बाहर से पैसा ला रहे हैं या तो हम इंटरनली हमारे कंपनी के अंदर से ही पैसा जो है जुटा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स वन कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउट

ओन्ड कैपिटल जी हां जब हम शेयर होल्डर्स से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनके जरिए कैपिटल रेज कर रहे हैं तो उसे हम ओन्ड कैपिटल कहते हैं और ओनरशिप कैपिटल कहते हैं द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल अला एकदम नीट समझू गया आप पैसे पर्याप्त तो नहीं है हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम बिजनेस को अकेले रन कर सकें तो हम क्या करते हैं भैया लोगों को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा हमारी कंपनी का शेयर ले लीजिए आप मालिक बन जाइए कंपनी के हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए हम कंपनी चलाएंगे आपको मुनाफा देंगे ना प्रॉफिट देंगे ना आपको तो इसको बोलते हैं भैया शेयर होल्डर्स और शेयर्स बेचना यही प्रोसेस से ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं यस द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप समझ पाए होंगे अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया सारा प्रॉफिट में से सब डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह बांट देने के बाद जो एक्चुअल में प्रॉफिट बचता है उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी कई बार इस प्रॉफिट को जो बचा हुआ है उसको भी हम बिजनेस में ही लगा देते हैं ये सोच की कि आगे फायदा होगा तो इसको भी एक सोर्स बना लेते हैं हम हमारे कैपिटल का हम बिजनेस मधे इन्वेस्ट करते अपने प्रॉफिट है रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइना उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सोर्स जो है यह आप समझ गए होंगे आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने

शेयर मींस शेयर शेर मींस जी हा शेर मींस शेयर शेयर कैपिटल होता है पूरा उस कैपिटल का यस yes, बहुत सारे शेयर हो गए लेकिन बहुत ही सिंपल है शेयर शेयर इन द शेयर कैपिटल शेयर इज अट बाई विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू यानी हर शेयर की अपनी एक कीमत होती है उसका अपना एक फेस वैल्यू होता है और जो भी उसे परचेज करता है उस शेयर होल्डर को हम उतने का शेयर दे रहे होते हैं शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट इन्हीं शेयर्स के जरिए पब्लिक जो है आम जनता जो है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है छोटे छोटे शेयर परचेज कर सकती है अमाउंट के शेयर परचेज कर सकती है और इसके जरिए जो है वो कंपनी को पैसा देती है जिससे कंपनी जो है अपना बिजनेस रन करते हुए प्रॉफिट बनाती है और प्रॉफिट बांटती भी है ये अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर As he wishes. आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं इन एप्लीकेशंस के जरिए आप ऑनलाइन ही ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और इसी के जरिए दोस्तों आप आसानी से शेयर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं आप आपने अगर कभी इसको ट्राई किया है तो जरूर कमेंट में बताइएगा अ पर्सन हू परचेज शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी यानी जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है कंपनी का एक मुख्य मेंबर बन जाता है मालिक बन जाता है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इतनी बात शेयर्स के बारे में समझ पाए होंगे तो चलिए दोस्तों अब बारीकी से समझते हैं शेयर्स को अभी अभी हमने डेफिनेशन और मीनिंग तो देख लिया चलिए अब बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ शेयर की ओर जी हाँ दोस्तों फीचर्स फीचर्स ऑफ ऑफ शेयर 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 हमने अभी अभी जाना इज इज अ अ इन इन कैपिटल कैपिटल तो क्या है कुल मिलाकर के दस पॉइंट का आंसर है, है दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट हैं और इन पॉइंट को आसानी से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मोटिव ऑफ डॉक्टर पी के मोटिव ऑफ डॉक्टर पी के मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके जी आ, दोस्तों फीचर्स ऑफ शेयर पी के मीनिंग ओ से ओनरशिप टी से ट्रांसफरेबिलिटी आई से इनकम और वी से वैल्यू ऑफ अ शेयर मोटिव ऑफ डॉक्टर पीके के अंदर ई e से एविडेंस ऑफ टाइटल डी से डिस्टिंक्टिव नंबर यानी शेयर्स का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है आर से राइट्स इसके अलावा पी के के अंदर पी से प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर और के से काइंड ऑफ शेयर हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे दोस्तों शॉर्ट कोड लिख करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप सभी पॉइंट्स को इजीली इजीली प्रैक्टिस कर पाए चलिए आगे बढ़ते हैं जी हाँ दोस्तों मोटिव डॉक्टर के क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ शेयर आंसर का नाम मोटिव ऑफ डॉक्टर के मोटिव ऑफ डॉक्टर के चलिए एम से मीनिंग शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी हमने शुरुआत में भी देखा डेफिनेशन के अंदर भी देखा शेयर इज अ शेयर

इसी से तो पता चलता है कि भैया वो कितने का मालिक है यस इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें दोस्तों तो द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल यानी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर्स आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं यस आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यस आपने 11th में पढ़ा है एमओ एओ के बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स रेगुलेशन मेंशन होंगे उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आप आसानी से ट्रांसफर जो है शेयर को कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इसके बाद बात करें इनकम की हम पढ़ रहे हैं मोटिव डॉक्टर पीके मोटिव डॉक्टर पीके ओ टी आई से इनकम याद रखिए अ शेयर होल्डर जो है इज इंटाइटल टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इट इज कॉल्ड डिविडेंड यस इनकम कैसे होगी जिसने शेयर खरीदा है उसको कुछ तो देना पड़ेगा तो याद रखिए हर शेयर होल्डर को नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का उसमें से हिस्सा मिलने ही वाला है उसके खरीदे हुए शेयर के हिसाब से इट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड बढ़ते हैं दोस्तों आगे मोटिव के अंदर वी से वैल्यू ऑफ शेयर तो दो वैल्यूज होती है फेस वैल्यू सबसे अहम होती है शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी देर बी फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस एक फेस वैल्यू होती है और एक इशू प्राइस होती है क्या है ये तो फेस वैल्यू जैसे आप देखते हैं कोई सिक्का सिक्के के

एम से मीनिंग ओ से ओनरशिप टी से ट्रांसफरेबिलिटी आई से इनकम वी से वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ते हैं दोस्तों आगे ई e से एविडेंस ऑफ टाइटल बहुत अहम पॉइंट है ध्यान से समझिएगा अंडरलाइन कर लीजिएगा अ शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय कंपनी

Thing तो है नहीं जो आप दिखा के घूमेंगे सब जगह पे के जरिए है है कि आपने लिया हुआ share. तो ये आप आप बात समझ जाइए कि भैया जब भी आप share लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस मिल जाता है बढ़ते हैं दोस्तों distinctive number की ओर जी हां। में से शेयर ज डिस्टिंक नंबर और आइडेंटिफिकेशन इट इज मैं सर्टिफिकेट हर कंपनी जब शेयर तो होता, होता, होता है और वो के बेसिस पे ही दिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट हक क्या है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों अधिकार क्या है ऐसा नहीं है मैंने पचास रुपए का शेयर खरीदा तो मैं रिलायंस पे दादागिरी करूंगा तो यहां पर कहीं ना कुछ अधिकार होते हैं शेयर होल्डर्स के और शेयर खरीदने पर आपको वो मिलते हैं अ शेयर कन्फर्स सर्टन राइट्स ऑन सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड मतलब आपने शेयर कितने भी खरीदा हो उसके हिसाब से आपको डिविडेंड तो मिलेगा आपको पैसा रिटर्न में तो मिलेगा मतलब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मिलेगा राइट टू इंस्पेक्ट स्टैटूटरी बुक्स आप चेक कर सकते हैं कंपनी कैसा काम कर सकती है आपने भाई उसमें पैसा लगाया आपको चेक करने का अधिकार है कि भाई कंपनी कैसे काम कर रही है राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग्स आपको मीटिंग्स अटेंड करने का पूरा अधिकार मिल जाता है एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स और ऐसी मीटिंग्स में आप वोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका भी अधिकार है भाई आपने भी शेयर खरीदा है तो आपका भी व्हाट अ कुछ आप भी मीटिंग के अंदर वोट कर सकते हैं आखिर में दोस्तों बात करते हैं पी और के की डॉक्टर पी के में पी से प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर सिंपल सी बात है ये उसका एक असेट बन जाता है ना उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है मूवेबल है भाई कभी भी मूव कर सकता है वो ट्रांसफर भी कर सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है, तो ये एक प्रॉपर्टी के समान है जैसे गोल्ड वगैरह खरीदते हैं वैसे आजकल लोग शेयर भी खरीदने लग गए हैं एंड दैट इज वाई इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट के कंपनी कैन इशू टू काइंड ऑफ शेयर वन इज इक्विटी शेयर एंड द अदर वन इज

टाइप्स ऑफ शेयर्स बता दूंगा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे इन शेयर्स को कंपनी इशू करके अलग अलग राइट्स जो जो है जो है फीचर्स उसके प्रदान करती है लोगों तक तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा जाद स्टूडेंट्स तक और इस चैनल पर ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब